ये क्या कर रहे हो? हाँ गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज हम आए हैं नेकचल बालाजी देवली, जैसे कि आप बोर्ड में नाम देख सकते हैं। यहाँ का इंटरनल व्यू कि कितना प्यारा बना रखा है इसको, दोनों तरफ पानी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए, यहाँ से इसका ये एंट्री है जो मंदिर की तरफ जाता है, और इधर पानी बहुत सारा भरा हुआ है यहाँ अपने बैठने के लिए, और काफ़ी सारे कमल के प्लांट्स उगे हुए हैं। तकरीबन 500 मीटर की डिस्टेंस पे तालाब इधर भी है, और राइट हैंड साइड में भी अराउंड 500 मीटर की दूरी तक तालाब फैला हुआ है। बाकी ये यहाँ की एंट्री है, आई होप क्लियर दिख रही होगी आपको। और ये देखिए, ये देखिए कितना प्यारा व्यू है, मतलब। और सामने आपको दिख रहा होगा जो मेन मंदिर है उसका एंट्री गेट है वो। तो अब हम पहुंच चुके हैं सीधा मंदिर में, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मंदिर का एंट्री गेट है, संकट मोचन नेकचाल बालाजी। तो चलते हैं अंदर, मतलब काफ़ी प्यारा व्यू इस तरफ भी, इतने सारे जिनको अपन राजस्थानी लैंग्वेज में बगुला बोलते हैं, वो बहुत सारे रहे, काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। और ये देखिए कितना, मतलब एकदम पीसफुल जगह है ये। पहले हम हाथ धोएंगे, बहुत सी और है। मैं आपको दिखाता हूँ इधर का व्यू। जो हाइट है अराउंड, से बोलते हैं आसपास के लोग कि तकरीबन 15 फीट है ये, अप्रोक्स 15 फीट है। और पीछे की तरफ भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मंदिर के पीछे का हिस्सा है, मतलब काफ़ी पीसफुल जगह है ये। और अपन चलते हैं फिर से आगे, यहाँ बैठने के लिए प्लेसेस हैं शायद, वहाँ पे टिकट है, अपन भी चलेंगे। कीचड़ तो यहाँ पे भी है। गाइस आपने देखा, और काफ़ी मतलब पीसफुल जगह है, पूरा पानी से घिरा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं कितने सारे कमल के प्लांट्स हैं इधर, लोटस ही लोटस है बहुत सारे। और वो गिरा वहाँ पे कुछ बना हुआ है, जूम करना वहाँ पे। बाकी दिखने में सरफेस दिख रहा है, बट ये बहुत गहरा है, यहाँ गिरे तो सीधा ऊपर फंस गया ना। ये क्या कर रहे हो? ये मुझे मिल गया था कहीं से, ये क्या कर रहा, खरीद के लाया हूँ मैं। निकाल बेटा 10 रुपए। किस बात के, किस बात के? तो गाइस बहुत बड़ा मस्ती मजाक, तो आप देख सकते कितना प्यारा व्यू है, मतलब यहाँ पे एकदम क्लियर पानी है, वहाँ हम जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे जो
कीचड़ सा हो रहा है तो वहाँ पे जा नहीं सकते हम, पॉसिबल नहीं है। बाकी मैं आपको एक बार और मंदिर विजिट करवाता हूँ और आपको अच्छे से दिखाता हूँ एक बार। जय श्री राम। तो गाइस मेरे पीछे आप देख सकते हैं मंदिर, और काफ़ी फेमस मंदिर है ये, मतलब लेकचाल बालाजी नाम है इनका। वैसे ये अंग्रेजों के टाइम पे बना था। रिकॉर्ड तो तुम टेक ले ले भाई। लगा अब ले। तो गाइस इस मंदिर के बारे में आपको बताता हूँ थोड़ा सा, मैं ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है। इस मंदिर का ये है कि जिस तरह से पहले नरेगा काम चलता था अपने, उस तरह से अंग्रेज़ों के टाइम पे भी इसको बनाया गया था। तभी यहाँ पे पूरी तरफ खाई है और जो मिट्टी इकट्ठी हुई यहाँ पे, वहाँ पे उस ज़माने में इस मंदिर को स्थापित किया गया था। ये मंदिर काफ़ी पुराना है, मतलब अराउंड 18th century का है और अंग्रेज़ों के टाइम पे इसको बनाया गया था। तो कहा जाता है कि इसका नाम नेकचाल बालाजी है। तो अगर लॉजिकल निकाले तो कई लोग ये बोलते हैं कि पहले जो लोगों को सैलरी देने का फॉर्मेट होता था उसको नेकचल नहीं बोला करते थे। जस्ट लाइक पहले नमक से हुआ नौकरी, आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ का जो फॉर्मेट है आप देख रहे हैं कि पानी चारों तरफ है और बीच में इसका मिट्टी के टीले पे बना हुआ है ये। तो मिट्टी जब इकट्ठा हुई तालाब का काम तभी हुआ था जब अंग्रेज़ों को इसकी नीड पड़ी, और जब अपने जो हिंदू थे तब इन्होंने उस फॉर्मेट के हिसाब से इस तालाब को बनाया था। यानी कि जब सैलरी नहीं होती थी तो नेकचल नहीं बोला करते थे सैलरी के फॉर्मेट को। तो पुरानी बातें हैं, पॉसिबल है, सही भी है, नहीं भी है, ये अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इस चीज़ को। बट जो इतिहास बोलता है, जो यहाँ लिखा हुआ है, जो यहाँ के लोग बताते हैं, देवली के लोग, तो उस हिसाब से मान सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो बना हुआ उसी तरह से है कि दोनों तरफ पानी है, बीच में रेत का टीला है, फिर बना हुआ है। तो और इसको द लॉस्ट टेंपल ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि पहले ये विलुप्त हो चुका था लेकिन बाद में धीरे 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 वापस निकलना स्टार्ट हुआ और आज सबकी नज़रों में है ये। और यहाँ का वाटर लेवल काफ़ी ज़्यादा है, आपको पीछे दिखाता हूँ मैं, यहाँ का वाटर लेवल बहुत ज़्यादा है, अराउंड 20 feet से ज़्यादा हाइट है ये। यहाँ गए तो परमानेंट चले जाएंगे अपन। तो गाइस आप पानी देख सकते हैं इधर, मतलब नेचर पहली मोहब्बत है, मेरी तो पहली मोहब्बत है। कभी मन ख़राब हो जाए, दुखी हो जाए तो ये शांति से आके नेचर के बीच में आके बैठ जाओ, सबसे बेस्ट है। तो चलते हैं आगे, फिर आपको दिखाता हूँ मैं आगे। एक मंदिर और है, पूजा शिव जी का है ये, बालाजी का था, यहीं पे स्थापित किया गया शिव जी का मंदिर। और एक छोटा सा अपने बना रखा है यहाँ के लोगों ने। बाकी यहाँ पे मतलब इतना सा रास्ता है, एक कार निकल सकते हैं जितना का रास्ता है। भाई कभी आइए आप, गूगल मैप्स पर डालिए नेकचाल बालाजी, आपको पूरी लोकेशन मिल जाएगी यहाँ की। चलते हैं आगे। बाकी मेरे इधर देखिए, काफ़ी प्यारा नेचर है, और मेरे इधर देखिए, बहुत प्यारा नेचर। और यहाँ पे एक मंदिर और है, मैं दिखाता हूँ आपको करेंगे। तो गाइस मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, मंदिर वहाँ सामने है, आपको दिख रहा होगा शायद, धूप से नहीं दिखेगा। बाकी यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं कितना प्यारा है, और नेचर अगर कहीं है तो यहाँ पे बहुत प्यारा नेचर है। ट्रैवलिंग के लिए अच्छे फ़ोटोज़ आते हैं यहाँ पे, मतलब शूट वगैरह आप कर सकते हैं यहाँ पे आराम से, लाइक प्री वेडिंग भी कर सकते हैं, सफा साफ सफाई तो प्री वेडिंग भी कर सकते हैं यहाँ। बाकी वहाँ भी कुछ बना हुआ है, बट वहाँ जाने का रास्ता कहाँ से, ये पूरा जो सूखा हुआ देखा है मैंने, सूखा हुआ देखा है मैंने, कभी सूखा करता था। अब चलते हैं वापस, थोड़ी सी ट्रिप मार ली जाए, गेड़ी मार ली जाए।
गाइस यहाँ पे कुआ भी है। ये क्या गिरे हुए इसके अंदर? कछुआ वहाँ से दिखा, उधर से दिखा, उधर से दिखा भैया, वो सिक्स में आता है। धीरे धीरे फोन में पकड़ के ना, फोन में जुड़ना बेटा, लॉक लेना पड़ेगा फोन का अपने। कछुआ भैया जूम कर ले, धीरे धीरे बेटा फोन गिरा मत देना। इसमें हैंड पंप देखो कैसे लगा रखा है, मतलब एक्सपेरिमेंट इसको बोलते हैं। हैंड पंप दबाओ वही से पानी आएगा, दबा सकते हैं लेकिन अभी इसको लॉक किया हुआ है तो अपन नहीं दबा सकते। बाकी चलते हैं अपन बाहर, अब रोक दे बेटा। वाओ पीछे रह, पीछे रह, पीछे रह, बैलेंस खराब हो जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ, पार्टी चल रही मछलियों की, एंजॉय पूल टाइम एंजॉय, पूरा मछलियों से भरा हुआ है यहाँ पे। तकरीबन 10,000 से ज़्यादा मछलियाँ हैं, 10,000 से ज़्यादा है ना, ज़्यादा। देखो कितनी बड़ी बड़ी मछली है। देखते रहो बस इनको। मतलब प्लेइंग विथ मी है, फ्रैंक हो रही मछलियाँ अपने। फ्रैंक हेलो गाइस, बिग फैन गाइस, आपने वीडियो देखा आप बहुत बहुत थैंक यू, और ऐसे प्यार मुझे देते रहिए। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो मेरा कैसा लगा, और ऐसे अलग अलग विचार वाले, अलग अलग थॉट्स वाले, अलग जगह वाले मैं वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो बने रहिए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।